अन्वय मधुकर नाइक की पत्नी और कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्व लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छुड़ी हुई थी, उसमें हुलका हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्णव गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्णव गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है, वो मेरी पति की लास्ट आखिरी निर्मित थी। वहां 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे भीख, पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे और मेरे सास, मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी FIR लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहे, हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरे बेटी को आज कुछ हो जाता है, तो उसके लिए सिर्फ अर्णव गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्णव जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, हर सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी हुई होती, तो ये FIR ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। बस यही बोल के मैं मेरा ये 2 मिनट